उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। फिर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी तोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा अपने देश पे मरने वाला है, ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गुड इवनिंग, जय गुरुदेव, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल वेरी हैप्पी ऑन दिस 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे 74th रिपब्लिक डे ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री। 15th ऑगस्ट वॉज द डे व्हेन वी ऑल गॉट फ्रीडम एंड ऑन 26th जनवरी वी गॉट द फ्रेमवर्क। Framework to act, framework to express, framework to behave. National flag is very important symbol for all of us. National anthem is not less than any powerful mantra for all Indians. And with this note, I welcome you all on behalf of DSPPL. आज के जो व्याख्याता है नीरव भाई, उनका मैं तहे दिल से इस फोरम में स्वागत करता हूं। आज का ये जो रिपब्लिक डे के दिन पर हम ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमारे डीएसपीपीएल के फैकल्टी
श्री अमित तनपुरे जी है जो नेशनल फ्लैग के बारे में बोलेंगे, और उसके बाद हमारे आज के व्याख्याता श्री नीरव भाई, इनके साथ हम ये प्रोग्राम आगे लेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अमित। यस थैंक यू, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। या या वन मिनट, आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस एंड नाउ यू कैन शेयर। यस प्लीज। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी हमें सबको पता है दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब कह रहे थे। इसी साल हमने एक गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था कि हर घर तिरंगा। सो जो स्पिरिट है, जो स्वतंत्रता का जो हम जिसको बोलते हैं स्पिरिट है, वो हर एक नागरिक के मन में जो है उसको एक प्रकटीकरण करने का यह अच्छा मौका दिया था। हर घर एक तिरंगा होना, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने गली में, अपने सोसाइटी में, हर जगह पे लोगों ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हम सब जानते हैं, हमारे छोटे फ्रेंड्स जो है जिनको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, कि अपना जो तिरंगा है वो ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हो गया था। जब ब्रिटिश राज था तो सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई जब शुरू हो गई 1857 में, तब से अपना ये जो तिरंगा है वो दिन ब दिन और सालों साल जैसे इवॉल्व होता गया। उसका एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास है, उसका ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्रकटीकरण भी किया है, आप देख सकते हैं। अमित, वन रिक्वेस्ट, वी आर एबल टू सी स्लाइड नंबर 2। कैन यू प्लीज प्लीज चेक टू स्लाइड नंबर 1 एंड प्लीज शो इट इन अ प्रेजेंटेशन मोड। या या, नाउ वी कैन सी स्लाइड नंबर 1। ओके, या इन प्रेजेंटेशन मोड। इज इट विजिबल नाउ स्लाइड 1? राइट, इट इज विजिबल, बट प्रेजेंटेशन मोड में दिखाओगे तो और बड़ा ठीक दिखाई देगा। इन द स्लाइड शो मोड अभी नहीं आया। You can press F5. I'm trying this. Otherwise, एक बार stop share करके दोबारा share करना। I'll do that. Just that will solve the. Now, is it visible? Yes, now it is. Yeah, please go ahead. Yes. तो ये जो अपना तिरंगा है, तो ये जैसे ही 1857 की अपने आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी, तब से इवॉल्व होते होते 1947 में इसका अंतिम स्वरूप आ गया, जिसको बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे तभी इसका भी पूर्ण इतिहास जो था, हिस्ट्री है इसका, हमें भी सबको पता है। आप देख सकते हैं इसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय था 1907 का, जो था मैडम भिकाजी कामा ने बर्लिन कमिटी फ्लैग जिसको बोलते हैं। उस समय इस अपने जो देश का झंडा था वो पहली दफा भारत के बाहर लहराया था और अपने आजादी का वहां से ऐलान कर रहा था कि इसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। दुनिया की नजरें उस बार पहली दफा सबके ऊपर पड़ी थी कि एक देश है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और उसके जो सेनानी है वो दुनिया के हर एक कोने में जाके देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं अलग अलग पड़ाव पे ये तिरंगा और अपना जो झंडा है वो बदलता गया। इसके बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय था वो 1931 का तिरंगा, जिसको सुभाष बाबू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, आजाद हिंद सेना का भी एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, ये था। और 1947 में जो अपना आज का तिरंगा है, ट्राइकलर जिसको कहते हैं, जिसको अंतिम स्वरूप लेके जिसका स्वीकार किया गया। हम सब जानते हैं ये तिरंगा जो है इसके हर एक रंग का एक महत्व है। अभी हमारे कुछ छोटे दोस्त होंगे, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी होंगे, इन सबको पता है ये तिरंगे के हर एक कलर का कुछ ना कुछ मतलब है। ओके, द सैफ्रन कलर विच गिव्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ, सैक्रिफाइस एंड करेज, वाइल द व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स पीस एंड ट्रूथ, वाइल द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। और ये जो अपना अशोक चक्र जो है ये दिखाता है कि ये द कंट्री विल बी रूल्ड बाय द लॉ ऑफ धर्म, धर्म इज नॉट द रिलीजन, इट विल बी रूल्ड बाय द सम प्रिंसिपल्स, सम डिसिप्लिन। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि ये तीन रंग लेते समय कुछ ना कुछ अलग से भी विचार किया होगा? मुझे ऐसा लगता है जैसे सैफरन कलर है वो जो सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ दिखाता है। विदाउट सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ आपको पीस और ट्रूथ नहीं मिलेगा। विदाउट पीस एंड ट्रूथ यू कैन नॉट हैव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड विथ व्हेन यू आर हैविंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी
यू हैव टू लीव बाय द लॉ ऑफ धर्म, लॉ ऑफ डिसिप्लिन, लॉ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो यही हिसाब से भी ये तिरंगे के हर एक झंडा है का जो जो रंग है वो भी हमें कुछ अलग अलग से बताता है, ऐसा मेरा भी एक विचार है, आप भी सोच सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि किसी के देश का झंडा है वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है। अपना जो तिरंगा है वो क्या सिंबलाइज करता है? इट्स अ फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, हम सब एक है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ पे कहते हैं विविधता में एकता, एक अपना ही देश है जहाँ पे आपको यू विल हैव द हाईएस्ट रेनफॉल इन आसाम, और आप अपने यहाँ पे डेजर्ट है राजस्थान में, अपने यहाँ पे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां है, माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में है, और अपने यहाँ पे जो है हिंद महासागर भी है। तो एक ऐसा देश है जहाँ पे काफी सारी विविधता है, जो हम जिसके बोलते हैं अलग अलग संस्कृति कल्चर बोलते हैं, भाषाएं अलग अलग है, रीति या परंपरा है, रिचुअल्स बोलते हैं, अपने देशों के देश के चारों कोनों में अलग अलग है, लेकिन हम सबको जोड़ने वाला एक ही है, वो है अपना तिरंगा। आपने कभी भी देखा होगा, आप कहीं भी किसी भी आप जैसे बोलते हैं आप मिशन बोलो, कोई भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम बोलो या इवेंट बोलो, वहां पे आप जब विजय हासिल करते हैं तो ये तिरंगा आपको वहां पे फहराते हैं। ये क्या होता है? इट इज नॉट ओनली सिम्बोलाइजिंग, या खाली अपने जीत का वो जश्न नहीं होता है, ये जीत का सेलिब्रेशन नहीं होता है, ये होता है इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर द इंडियननेस, हर एक भारतीय का वो एक सेलिब्रेशन होता है। आप देख सकते हैं कि अब जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, और टाइगर हिल करके एक सबसे ऊंची चोटी थी जहां पे काफी बार दुश्मन हावी हो रहा था, जब अंतिम दौर पे जब टाइगर हिल जीता गया तो जवानों ने वो ऊंची चोटी पे अपने तिरंगा लहराया। वो तिरंगे का वही मतलब होता है कि यहाँ पे अभी अपने देश का पूर्णतः से नियंत्रण आ गया है, और ये विजय का प्रतीक है। जैसे कि देखते हैं हम किसी भी खेल में जीतते हैं, कि भले ही वो कोई विश्व कप हो या फिर कोई आपका ओलंपिक का बड़ा सेलिब्रेशन हो, वहां पे गोल्ड मेडल मिलने के बाद जब भी कोई खिलाड़ी होता है वो तिरंगा हाथ में लेता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो उसकी अपनी अलग इंडिविजुअल कुछ विक्टरी नहीं होती, उसकी खुद की उसका कुछ जीत नहीं होती, वो उसको जो खुशी होती है वो आंसू होते हैं, वो अपने देश के लिए होते, उसको याद होता है उसने जो मेहनत की है उसके पीछे उसके देश के सभी नागरिकों के उसके प्रेरणा थी। आपने एक बार ये सुना भी होगा कि पिछले साल ये यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, यूक्रेन और रशिया, हम सब ने सुना होगा कि वहां पे काफी सारे भारतीय विद्यार्थी थे, वहां कुछ पढ़ाई के लिए गए थे, कुछ मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए गए थे, और वो सब फंसे पड़े थे, कोई भी जानता नहीं था युद्ध कितना चलेगा और क्या हानि हो सकती है। तो उस दौरान हालात ऐसे थे कि दोनों देश किसी भी बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अपने सरकार ने वहां पे बात करके अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए। आपको तिरंगे की ताकत पता चलेगी कि वहां पे रशियन जो आर्मी के सेनानी थे, उनके जो जनरल्स थे, उनको स्ट्रेट अवे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो भी कोई बस या व्हीकल भारत का तिरंगा लेके चल रही है उनको आपको सेफ पैसेज देना है। ये होती है ताकत किसी तिरंगे की। और आपको ये सबको पता भी होगा कि जो अपने अपने बड़े दुश्मन अपने आप भारत के कहते हैं, ऐसे पाकिस्तान और टर्की जो है उनके स्टूडेंट भी अपने तिरंगे के पीछे छुप छुप के वहां से सेफ बाहर निकल में कामयाब हो गए थे। वो माने ना माने, यही ताकत है अपने तिरंगी, यही ताकत है अपने ट्राई कलर की, यही ताकत है अपने देश की। अपना देश जो अल्टीमेटली दिखता है उस तिरंगे के हर एक रंग में, वही उसी अशोक चक्र में। लेकिन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रेटनेस है, ये जो महानता है तिरंगे की, वो किसी बड़े खिलाड़ी की या सरकार की या खाली सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हर दिन की जिम्मेदारी है। खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी उसका प्रकटीकरण काफी उत्साह से होता है, लेकिन इसका प्रकटीकरण और इसको जीवन में जीना चाहिए 365 दिन के लिए। ऐसा ही है और यही है अपना सच में तिरंगा। इसके साथ आई हैंड ओवर बैटन टू नीरव जी। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जहां जहां पे तिरंगा है वहां वहां पे भारत है। हमारे देश में हो या परदेश में, जहां पे भी ये सिंबॉल दिखाई देता है वो सिंबॉल हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे अस्मिता का प्रतीक है, हमारे वननेस का प्रतीक है। थैंक यू अमित वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन फ्लैग। और अभी हम हमारे आज के व्याख्याता नीरव भाई, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। नीरव भाई के बारे में बोलूँ तो नीरव भाई खुद एक प्रिंसिपल है AG हाई स्कूल एंड GND पारिक हायर सेकेंडरी स्कूल के, अहमदाबाद में वो प्रिंसिपल है। साथ ही में
अहमदाबाद के प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के वो चेयरमैन भी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में वो एक विजिटिंग फैकल्टी भी है। वी आर वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू हैव ए वेरी लर्नेड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ नीरव भाई। नीरव भाई, दोबारा आपका ये DSPPL के प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे का क्या महत्व है, वो क्या मायने रखता है। और बहुत बार बहुत लोगों के मन में ये और एक दुविधा भी होती है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू नीरव भाई। नीरव भाई, फोरम इज ओपन टू यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। सभी को जय गुरुदेव। विशिंग यू हैप्पी रिपब्लिक डे। आई थिंक एम आई एबल टू शेयर माय स्क्रीन, राइट? शेयर योर स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? यस। सो सबसे पहले सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज ऐसा एक योग है कि आज वसंत पंचमी भी है और गणतंत्र दिवस भी है। तो सामान्यतः आज तो हम रिपब्लिक डे तो मनाते ही है, गणतंत्र दिवस की तो हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ में हर एक स्कूलों में आज वसंत पंचमी के दिन हमारे वहाँ शारदा पूजन, सरस्वती पूजन भी होता है। सो आज सरस्वती देवी और भारत माता दोनों को याद करके मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारे मुहूर्त शास्त्र में 3 मुहूर्त ऐसे कहे गए हैं कि जो बिन देखे मुहूर्त है। जो इसमें से एक 3.5 मुहूर्त में एक वन ऑफ द मुहूर्त इज वसंत पंचमी। नॉर्मली जो गुजरात में वसंत पंचमी को भी एक बिन देखा मुहूर्त कहा जाता है कि आज के दिन आप पूरा शुभ दिन है, आप कुछ भी आज करो तो वो शुभ दिन है। अदरवाइज ये 3.5 मुहूर्त में जो न्यू ईयर कार्तिक जो महीने का जो फर्स्ट हाफ डे है वो 3.5 दिन में वो गुड़ी पड़वा और दशहरा, ये 3 को 3.5 मुहूर्त में कहते हैं। कहीं कहीं जगह इसको अक्षय तृतीया को भी 3.5 मुहूर्त में लेते हैं और वसंत पंचमी को भी लेते हैं। तो आज ऐसा योग है कि आज वसंत पंचमी भी है, गणतंत्र दिवस भी है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं और माँ सरस्वती को याद करके हम शुरू करते हैं। जो आज मैं बात करने जा रहा हूं जस्ट उसको समराइज करना है तो उसको एक स्लाइड में बोलना है तो मैं रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ी बात कहूंगा, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, उसी के लिए हम साथ आप इकट्ठे हुए हैं। इंडिपेंडेंस डे की भी बात करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि काफी बच्चों को ये डिफरेंस पता नहीं होता है या तो माइनर कंफ्यूजन भी रहते हैं इनके बीच में। तो विल ट्राई टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। एक मैंने इंटरेस्टिंग टाइमलाइन जस्ट आज ही बैठ के बनाई है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन, मे नॉट बी रिलेवेंट बट स्टिल आई हैव चॉक आउट दिस टाइमलाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपब्लिक डे। जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में बीच का जो समय था, इट वॉज बिटवीन 15th August एंड 26th January 1950 एंड 15th August 1947। तो ये जो बीच का समय था वो काफी हमारे लिए टेस्टिंग पीरियड था। तो उसका थोड़ा मैंने जिक्र किया है कि व्हाट वाज द कंडीशन एट दैट टाइम, क्या था वो। एक हिस्टोरिक इवोल्यूशन ऑफ इंस्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, मे नॉट बी वेरी रिलेवेंट बट स्टिल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन दिस अ रेफरेंस मे रिलेवेंट टू देम। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की है, प्रीएम्बल की बात की है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी सम अप विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, एंड व्हाट शुड आई डू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बात
पूरे प्रेजेंटेशन में है, विल ट्राई टू कंप्लीट इन टाइम। सो पहले तो हम सब जानते हैं कि दिस इज अ लाइक 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे, वी आर सेलिब्रेटिंग इज अ रिपब्लिक डे, एंड टुडे इज अ 74th रिपब्लिक डे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 73 रिपब्लिक डे, सो दिस इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। नॉर्मली उस दिन क्या करते हैं हम, तो वी नो दैट इन द स्कूल और एनी गवर्नमेंट ऑफिसेस हम फ्लैग अनफर्ल करते हैं, फ्लैग होइस्ट करते हैं। तो और दिल्ली में हम राजपथ रोड पे वी आर लाइक प्रेसिडेंट इज होस्टिंग द और अनफर्ल द फ्लैग एंड परेड्स होती है, आर्म फोर्स के साथ हमारी परेड्स होती है। नॉर्मली 15th अगस्त को जो एड्रेस करते हैं और फ्लैग होस्टिंग होती है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जो 26 जनवरी है वो जो रिपब्लिक डे है उसमें ये प्रेसिडेंट करते हैं, बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री ये अनफर्ल करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। एक फ्लैग होस्टिंग में नॉर्मली काफी लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता है कि फ्लैग होस्टिंग ऑन 15th अगस्त इट इज अ फ्लैग इज होस्टेड बाय, वो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, दैट इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, वेर इज जो रिपब्लिक डे है उसमें अनफर्ल किया जाता है, ऊपर ही बंधा रहता है फ्लैग और उसको हम जस्ट अनफर्ल करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। नॉर्मली एज आई टोल्ड यू के 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर वो सैल्यूट लेते हैं, जबकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट हमारे जो है वो सैल्यूट लेते हैं। सो दिस इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे। क्विकली अगर इंडिपेंडेंस डे तो हम अभी अमित ने बताया कि वी आर सेलिब्रेटिंग अवर आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th ईयर, लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। हम इस दिन क्या करते हैं, तो हम जो हमारे नेशनल हीरोज है, जिस जिसने आजादी में जो नामी अनामी जिसको हम जानते हैं, कई ऐसे हमारे देश के वीर थे कि जिनका नाम भी नहीं पता है, तो उन सभी को हम याद करते हैं, उन सभी को हम ट्रिब्यूट देते हैं, उन सभी को हम उम्मीद देते हैं। हम कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, डांसिस, परेड्स, फ्लैग होस्टिंग। एज आई टोल्ड यू प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द ट्राइकलर फ्लैग एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बताया इस तरह से फ्लैग को ऊपर लिया जाता है फ्लैग होस्टिंग में, और ये हम नॉर्मली रेड फोर्ट के ऊपर से, रेड फोर्ट जो लाल किला है वहीं से हमारा ये सेलिब्रेशन होता है। एंड वी नो दैट मार्च पास्ट और सभी डिवीजन इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्सेस इज बीइंग हेल्ड। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। एंड द लास्ट, इन केस एनी क्वेश्चन, विल ट्राई टू कवर दोज क्वेश्चंस आल्सो इन एनी केस। ये एक इंटरेस्टिंग टाइमलाइन मैंने वर्कआउट की है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपब्लिक डे, विच मे बी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स दोज हु आर लाइक स्टडीइंग सोशल स्टडीज। सो वी नो दैट दिस इज अ टाइमलाइन पोर्टुगीज, लाइक हमको पता है कि वी लाइक जो इन्वेजन हुआ वो पहले पोर्टुगीज केम टू इंडिया इन 1498, तो वो पोर्टुगीज आए क्योंकि यूरोप में हमारे जो स्पाइसेस थे वो दैट वाज वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉस्टली आल्सो, सो दे लाइक दोज दे कम हियर टू परचेज दिस स्पाइसेस एंड सेल इट अगेन टू द यूरोप। सो पोर्टुगीज आए और पोर्टुगीज ने और फ्रेंच ने काफी इन्वेड किया और काफी जगह पे उन्होंने राज करना शुरू किया, या तो दे हैव टेकन ओवर सम पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया जो इंसेप्ट हुई, जो इसका कंसेप्शन हुआ वो 1600 ईयर में हुआ, और वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनाई गई क्योंकि जो पोर्टुगीज थे उन लोगों ने स्पाइसेस के प्राइसेस में बढ़ा दी, तो उनको लगा कि स्पाइसेस की प्राइस ये लोगों बढ़ा रहे हैं, तो लेट अस व्हाई डोंट वी डायरेक्टली गो टू द इंडिया एंड देन परचेज फ्रॉम डायरेक्टली इंडिया। So that was the reason behind they have concepted this East India Company, and which is the East India Company was, it is a under the government
इट वॉज एस्टैब्लिश एज पर द कंपनी लॉ, वहां के जो कंपनी लॉ के हिसाब से उसको एस्टैब्लिश किया गया और उनको सोल राइट दिया गया इम्पोर्ट का के इंडिया जाके वो नॉट ओनली इंडिया, ईस्ट इंडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, वो सभी जगह पे जाके ये लोग खरीद के आए, दे कैन सेल दिस टू इन द यूरोपियन कंट्री। सो धीरे धीरे ये इन्वेड हुआ और इन द ईयर ऑफ 1757, विच इज अ वेरी रिमार्केबल ईयर, कि जहां वो फर्स्ट टाइम इनका इतना ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी इंट्रूड अंदर कर गई कि अल्टीमेटली दे वन द बैटल इन 1757, विच इज वेरी नोन एज अ बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ प्लेसी में ये जो फ्रेंच और बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी रिच स्टेट, वेरी वेल्दी स्टेट एट दैट टाइम। तो वो बैटल ऑफ प्लेसी में से वो इनका इंट्रूड और उन्होंने वेस्ट बंगाल में रूल करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देन वी नो दैट अगेन फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फ्रीडम फाइट, दैट वाज इन ईयर ऑफ 1857, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिवोल्ट बट आई एम यूजिंग द वर्ड फ्रीडम फाइट। सो वो 1857 में हुई, वो हम सब जानते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। And then, but because of this, because of this freedom fight, the entire East India Company, like the entire Indian continent, was taken over by British Raj instead of East India Company. Just beech mein ek 1857 ke baad jo British rule aa gaya, instead of East India Company, British rule aaya. So 1885 mein Congress was formed by one of the retired सिविल सर्विस ऑफिसर, जो इंग्लैंड का ही एक सिविल सर्विस ऑफिसर था, उसने ही ये कांग्रेस को फॉर्म किया और उसका पर्पस ये था कि विल इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग टू द इंडियन पीपल, जो लर्नेड इंडियन पीपल है, जो एडुकेटेड इंडियन लोग हैं, तो उनको हम इंक्लूड करेंगे डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Meanwhile, just I have mentioned this World War One, जो 1914 to 1918 में हुआ था, और meanwhile 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, he like came to India from South Africa after successfully he non-violent movement against the Britishers. उन्होंने Britishers के सामने जो he stayed in South Africa for around 21 years. और वहां धीरे धीरे ही वॉज नॉट पोलिटिकली इंक्लाइन, ही वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग हिज लॉ, एक फॉर्म में वो काम कर रहे थे, और धीरे धीरे उनका जो दो तीन बार उनका इंसल्ट हुआ, बीइंग अ ब्लैक ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन, तो यहां से उनके मन में शुरुआत हुई ये स्वतंत्रता की, और वहां ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अहिंसा, अहिंसा, अहिंसक देखाव जो बोलते हैं उसकी शुरुआत की। Then in the year 26 January 1930, this is a very important date for the 26th, because we are celebrating this on 26 January 1950, but this was the date where Congress has declared a Purna Swaraj, jo Purna Swaraj ki ghoshna ki, ki aaj se hum Purna Swaraj mante hai, Bharat ko ek swatantra desh mante hai. Almost it was a very successful जो पूरा पूर्ण स्वराज का जो जो प्रयोग था या पूर्ण स्वराज का जो ऐलान था काफी सफल रहा, और meanwhile वर्ल्ड वॉर जो उसके इम्पैक्ट भी काफी हुई, ब्रिटिशर्स भी काफी दे वेर कंसिडरिंग एंड देर ट्राइंग टू इन्वॉल्व इन टू द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो टू इंडियन। तो बीच में वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 में वर्ल्ड वॉर आया, सो वो वर्ल्ड वॉर के दरमियान जस्ट मोमेंट, सॉरी, सो 39 टू 45 जो वर्ल्ड वॉर आया उसके बीच में एक जस्ट आई हैव मेंशन दिस यूनाइटेड नेशन केम इनटू द एक्सिस्टेंस इन 1945 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में
जो ब्रिटिश था उनका लाइक दे वन द एट द एंड दे वन द बैटल बट ऑन जो ब्रिटिश की जो हालत हुई फाइनेंशियली दैट वाज वेरी लाइक दे वर इन अ वेरी बैड शेप एंड इकोनॉमिकली इन द वॉर जो वी कैन से इट इज अ वेरी टफ कंडीशन फॉर ब्रिटिशर्स. तो वहाँ वहाँ तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी में लेबर पार्टी सत्ता में आई है. उनका मेजर इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम अगर हम सत्ता में आएंगे तो इंडिया को हम आजाद करेंगे एंड दे वन द इलेक्शन आल्सो. सो इमीडिएटली वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पास हुआ कि भाई इंडिया को स्वतंत्र किया जाए एंड एट दैट टाइम दे हैव अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया. जो इंडिया की जो आजादी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए उनको पावर दिया गया. सो ही वॉज अ वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम फेब्रुआरी 1947 टू ही केम टू इंडिया एंड ड्यूरिंग फेब्रुआरी 47 टू 15th August 47 ही वॉज अ वाइसराय ऑफ इंडिया एंड देन आफ्टर 15th August 1947 ही बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 15th August 1947 टू 21st June 1948. ये जो एरा है जो 15th August 1947 जिसमें काफी ये इसका मेंशन इसलिए मैं कर रहा हूं कि काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये 1950 से 1947 15th अगस्त से 1950 में क्या हुआ. सो विच इज कॉल्ड डोमेन ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड इट वाज अ ऑफिशियल टाइटल ऑफ इंडिया टू पैसेज फ्रॉम इंडिपेंडेंस इंडिया और इट वॉज अ एक्ट पास्ड इन अ ब्रिटिश राज के वे इट इज अ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. दिस इज अ जस्ट आई हैव टच अपॉन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे मस्ट रीड दिस ऑल दिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड इन 1773 जो इंडिया रूल होता था तो किस तरह से रूल होता था ब्रिटिश में. तो इन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया था. तो वहां से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वहां अलग अलग रिफॉर्म जो उन्होंने किए उसका मैंने जस्ट आई हैव जस्ट लिस्ट इट आउट. आई विल शेयर दिस पीपीटी बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन. एज यूजल लाइक एज आई टोल्ड इंडिपेंडेंस इंडिया 15th August को हम आजादी मिली. आई हैव कलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स ऑफ 15th August 1947 क्या माहौल था क्या एनर्जी थी. वी कैन सी द लाइक एनर्जी एंड फील द एनर्जी. और हम अगर याद करें तो हम पर्सनली मुझे तो अभी भी रोमांच होता है कि ये क्या कैसा होगा वो माहौल. These are the few pictures of 15th August. ये जो 1947 to 20 जो 26 January 1950 का जो समय था जो जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अप टू 15th August to 21st June 1948 ये लॉर्ड माउंटबेटन रहे. और फिर 21st June 1948 to 26 January 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो हमारे इंडियन के पहले गवर्नर जनरल वो रहे. नेचुरली मैंने एक लिस्ट आउट किया है कि बिटवीन दिस हु वेर द मिनिस्टर्स एट दैट टाइम. तो प्राइम मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे पर सरदार पटेल वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे. राजेंद्र प्रसाद मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे. मौलाना अब्दुल कलाम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे. राजकुमार अमृत कौर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे. अंबेडकर जो मिनिस्टर ऑफ लॉ थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ लॉ मिनिस्टर ही वाज अ चेयरमैन टू द कमिटी ऑफ फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये मैंने लिस्ट आउट किया है जो अलग अलग मिनिस्टर्स थे वो. एंड देन इन द 26 January 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओथ एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में ये जो डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज एट दैट टाइम ऑन 1947 में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे
बट प्रेसिडेंट नहीं थे। एंड 26 जनवरी को हमने प्रेसिडेंट का उसी दिन अपॉइंटमेंट हुआ, दैट इज व्हाई ऑन 26 जनवरी दे अनफोल्ड द फ्लैग एंड ऑन 15th अगस्त प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू होइस्ट द फ्लैग। सो राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कैन नॉट बी रेड इन अ सिंगल डे एज इट इज अ लॉन्गेस्ट वन। इट हैज इनकॉर्पोरेटेड अराउंड 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 1997 अमेंडमेंट्स, जो टोटल हमारे अमेंडमेंट्स आज तक हुए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लोएस्ट अमेंडमेंट्स हुए एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लोएस्ट अमेंडमेंट्स। 29th अगस्त 1947 को ये ड्राफ्ट कमिटी अपॉइंट की थी, जिसके एज अ लॉ मिनिस्टर डॉक्टर आंबेडकर वॉज अ चेयरमैन एंड देर आर 6 अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी। दीज आर दीज वेर द नेम ऑफ कमिटी मेंबर्स, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर एंड मिस्टर एन माधवराव। सो दीज वेर द कमिटी मेंबर्स और उन्होंने अराउंड 2 साल 11 महीने, 2 years 11 months and 18 days में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया था एंड दे हैव रिफर्ड अराउंड 60 कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन से है उसमें से 60 कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करके उन्होंने काफी जहां की जो बेस्ट अमेरिका से उन्होंने पूरी कोर्ट सिस्टम ली, जापान से सर्टेन चीजें ली एग्जीक्यूशन, और जो हम डेमोक्रेसी के 3 पिलर बोलते हैं, सो वन इज अ डेमो पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियली, तो इन तीनों को उन्होंने इसमें डिवाइड किया, ये आइडियल सिस्टम उन्होंने एडॉप्ट की। जो पास किया गया वो दैट डेट इज अ 26 नवंबर 1949। सो वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इवन दिस 26 नवंबर आल्सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, एज अ लॉ डे भी बोलते हैं, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेट, दो देयर इज अ नो हॉलीडे ऑन दैट डे बट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा था वो हाथ से लिखा गया था। वन कॉपी वॉज इन इंग्लिश, टू कॉपी, वन कॉपी वॉज इन इंग्लिश एंड वन कॉपी वॉज इन हिंदी। सो पूरा कैलीग्राफी से हाथ से लिखा गया है। टिल नाउ जो पहले 97 अमेंडमेंट्स हुए थे, अभी तक टोटल 2000 अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें, एंड इट वॉज केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, एंड दैट इज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एज अ रिपब्लिक डे। अभी सभी को क्वेश्चन होता है कि व्हाई दिस 26 जनवरी। सो 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने हमें डिक्लेयर किया था कि ये पूर्ण स्वराज है, सो दैट इज व्हाई वी आर लाइक, दो इट वाज कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ 26 नवंबर, वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस इन द 26 जनवरी 1950 बिकॉज दिस वॉज द अवर पूर्ण स्वराज दिवस, सो इसीलिए हम उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सो दीज आर द स्मॉल फैक्ट्स अबाउट द अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंटरेस्टिंग बात जहां ये मेंशन नहीं कि ये मुझे याद आ रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, दो वी आर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी से दैट के हम धर्म निरपेक्ष, जो हमारा संविधान है उसमें धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें पहले फर्स्ट पेज पे राम राज्य का चित्र है, राम राजा राम का चित्र है। सो वी डू कंसीडर नॉट एज ए, उनको हम धर्म से नहीं बांधते हैं और नहीं जोड़ते हैं, बट इंस्टेड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल ऑफ द राम राज्य, राम राज्य जैसा सुशासन थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कॉन्स्टिट्यूशन की कि उसके अंदर राम राज्य का चित्र बनाया गया है। ये जो संविधान है उसका जो हम प्रीएम्बल बोलते हैं, दिस इज अवर प्रीएम्बल एंड प्रीएम्बल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
एक बार आई थिंक आई वुड लाइक टू रीड दिस प्रीएम्बल। सो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर और अवसर की समता प्राप्त करने के लए तथा उन सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। सो दिस इज अ प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है ये प्रीएम्बल में दिया गया है एंड विच वॉज रिटन बाय पंडित नेहरू। सो आई थिंक आई एम गोइंग बिट लेट बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस माय लाइक टॉक। जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल राइट्स, जब भी नॉर्मली हम कोई भी कहीं भी जाते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज माय राइट एंड व्हाट इज माय ड्यूटी। और ये बंधारण के विषय में एक जस्ट जो अगर स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, शायद आपको प्रश्न होता हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल चलाने के लिए एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके बंधारण। जब भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये बताते हैं। तो इसी तरह किसी देश को चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक गाइडलाइन बनाते हैं, तो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो छोटे बच्चे जुड़े हो तो उनके संदर्भ के लिए ये एक स्कूल की तरह अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसी तरह से ये कंट्री को चलाने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम समानता का या समता का अधिकार बोलते हैं। समता का अधिकार मतलब हम जितने भी लोग हैं, जितने भी ये देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी समान है और ये समानता का उनका अधिकार है। उनको धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वो किसी बात से हम उनको डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते, डिस इक्वल नहीं कर सकते, उनको सभी को एक समान अधिकार है। दूसरी बात, जो धर्म, जाति, विधि, समानता, अस्पृश्यता, क्योंकि उस समय अस्पृश्यता वाज अ बिग प्रॉब्लम, लाइक अनटचेबिलिटी इज अ बिग सोशल जो इविल था, वो वन ऑफ द सोशल इविल था। तो उसके बारे में क्लैरिटी की गई है कि भी अस्पृश्यता, उन सभी का अंत लाने के लिए राइट ऑफ इक्वालिटी हमने दी गई है। दूसरा जो था, जो राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद जिसको आर्टिकल 19-22 बोलते हैं, उसमें राइट टू फ्रीडम में हमें क्या क्या फ्रीडम दी गई है। तो हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होके होने की स्वतंत्रता दी गई है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, आप शांतिपूर्ण इकट्ठे हो सकते हो, अपनी अपनी बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी आजीविका, राइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोइटेशन, सॉरी राइट टू फ्रीडम, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र हो। जस्ट मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, राइट ऑफ फ्रीडम, तो जब भी हम राइट की बात करते हैं तो राइट के साथ मॉरल जुड़ा हुआ रहता है, आपके राइट्स है, लेकिन इसी के साथ साथ यू हैव टू सी वेदर योर राइट इज अ मॉरली ओके और नॉट ओके। सो यू हैव टू सी दैट बोलने की स्वतंत्रता है, ये हम मानते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप
किसी को हर्ट करो, किसी को अच्छा ना लगे और कोई भड़काने वाली बात वो नहीं करनी चाहिए, वो दैट इज रिटन एज ए मॉरल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो आप कोई भी अगर आपका एक्सप्लोइटेशन हो रहा हो किसी भी और तरह से तो उसके सामने आप आवाज उठा सकते हो. दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोइटेशन, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं हम. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, आप कोई भी रिलीजियन यहाँ मना सकते हो, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो और वो रिलीजन के लिए आप किसी कोई भी एजुकेशन पाना चाहो तो पा सकते हो. आई कैन मैं कोई उसके रेफरेंस में मुझे कोई एजुकेशन लेना है तो ले सकता हूँ. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो मैं कोई भी कल्चर, मैंने बताया कि धार्मिक जो शिक्षण लेना चाहूँ तो वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है तो उसके भी राइट, मैं उसके लिए भी आवाज उठा सकता हूँ. जैसे हम बोलते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर एक सिक्के की दो बाजुए है, तो जैसे ही राइट्स आते हैं तो आपकी ड्यूटीज भी आती है. तो ड्यूटीज में यू विल बीइंग अ इंडियन सिटीजन यू विल अबाइड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके उसको रिस्पेक्ट देना है, हमारे नेशनल फ्लैग को आपको रिस्पेक्ट करना है, इसकी देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, सर्टेन डूज एंड डोंट्स यू हैव टू फॉलो. वी हैव टू बीइंग अस इंडियन सिटीजन वी हैव टू फॉलो ऑल द डूज एंड डोंट्स ऑफ नेशनल फ्लैग एज वेल एज नेशनल एंथम. चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. That is why we are celebrating this 15th August and 26th January, because that is how we can give them tribute to the freedom fighters. Uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India. So, aap duties mein, this is a written rule ke aap jo hamari integrity hai, jo hamari ekta hai, usme koi vichhed na ho. वो हमारे हमारी हमारा सबकी ड्यूटीज में आता है, हमारी सबकी फर्ज में आता है. जब भी जरूरत पड़े डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, जब भी देश को जरूरत हो तो विल कम फॉर द सर्विसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. प्रमोट हार्मोनी इन स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, विविधता में एकता. अभी आशीष भाई ने बताया कि हमारा जो है कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म है, तो सभी में भी हमें हमारी एकता बनाए रखनी है. एनी लाइक सभी सभी को हमें रिस्पेक्ट करना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हमारे जितने भी फॉरेस्ट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है. अभी तो जो यूनाइटेड नेशन ने जो नया जो गोल्स डिक्लेयर किए, दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबल गोल्स. सो हमें विच इज ऑलरेडी रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, दीज आर द अवर ड्यूटीज एज अ सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड, मतलब वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, दैट इज अवर मॉरल ड्यूटीज एज ए सिटीजन, के उनको हमें उनको प्रोटेक्ट करना है. स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सलेंस एज ए, नॉट एज ए इंडियन सिटीजन बट एज ए, ऐसे कोई भी अगर कोई भी कंट्री के लिए, इफ ही समवन इज स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस नेचुरली एज एन इंडिविजुअल और एज वेल एज ए कंट्री, अगर इसके लिए हम एक्सलेंस के और बढ़ते हैं तो नेचुरली नेचुरली हमारी सभी पूरे कंट्री को उसकी उसका एडवांटेज भी मिलता है और सभी सभी फ्लरिश होते हैं उससे. Provide opportunities for education to his child or ward between age 16. These are the basic fundamental duties as 6 to 14. Away, this is considered as a fundamental duties of an Indian citizen.
जस्ट टू कंक्लूड, जो मेरी और आपकी समझ है कि बीइंग ए इंडियन सिटीजन मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे इंडियन एज ए इंडियन सिटीजन मुझे रेगुलर हमारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हमारे जो सोशल स्टडीज है वो भी पढ़ने चाहिए, आई हैव टू ओबे द ऑल रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ, जो देश में जितने भी लॉ बनाए गए हैं तो उसको मुझे फॉलो करना चाहिए, आई हैव टू पे माई टैक्सेस रेगुलरली एज पर रूल्स रेगुलेशन, जो भी टैक्सेस है वो हमें भरने चाहिए, नेशनल एंथम हमें आना चाहिए, नेशनल एंथम हम गाने चाहिए, जहां भी जरूरत हो, जहां भी हम लाइक फ्लाई ओवर कंट्रीज फ्लैग, जो अभी बताया ना कि टाइगर वो हिल पे हमने नेशनल फ्लैग फहराया था, फ्लैग को होस्ट किया था, तो वो करना चाहिए. डोंट लिटर और एंगेज इन एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म दैट डिफेक्ट योर डिफेस द योर एनवायरमेंट. एक तो स्वच्छता, तो वो भी स्वच्छता भी हमारे एज ए सिटीजन हमें उसको भी फॉलो करना है. आज से अगर हम देखें कि हम कोई भी कचरा ना फेंके, कचरा को सही जगह पे फेंके एज ए सिटीजन, या तो हम कहीं भी वी आर स्पीटिंग एनी वेयर, कोई थूकते हैं तो वी विल हैव टू टेक केयर के कहीं भी बीइंग ए इंडियन सिटीजन ये सब ना करे. चीयर योर कंट्रीज टीम इन स्पोर्ट्स, जब भी स्पोर्ट्स में हम, दैट इज वॉट वी आर डूइंग, कि जब भी हम जीतते हैं तो वी आर सेलिब्रेटिंग द इवेंट्स. जैसे हम घर को क्लीन रखते हैं, ऐसे पूरे सोसाइटी एनवायरमेंट सभी को क्लीन रखे. एंड अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते हो तो दैट इज ऑल्सो बींग ए सिटीजन, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू द कंट्री. अगर आप स्वस्थ रहते हो, आप स्वच्छ रहते हो. So these are the fundamental, I would say, as a citizen of India, these are the fundamental duties which we should follow. With this, I am concluding, and I am thank you very much for giving this opportunity. Thoda jyada informative tha, but still I feel ki this should share, I should share this information. So that's why I have shared all this. So thank you very much. थैंक यू नीरो भाई, थैंक यू वेरी मच. किसी को अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? नीरो भाई, यस, इंटरेस्टिंग बात है, आपने प्रेजेंटेशन में कहा, आई थिंक राकेश वैशाली हैज क्वेश्चन. यस यस प्रांजल, प्लीज गो अहेड. It was really, really very informative and very interesting. मतलब history तो मालूम है सबको, but बहुत ही अच्छा था क्योंकि deep constitution में किसी ने इतना पढ़ा नहीं होता है, तो very informative lecture था. Thank you for that. मेरा question ये है कि अगर हमारा constitution बोलता है कि सबको समान हक है, तो ये जो एजुकेशन में या फिर जॉब्स में जो ये रिजर्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कब और क्यों और कहाँ कब आया था? जो मेरे पास, मतलब मेरा जो, मेरे पास जो नॉलेज तो नहीं बोल सकते, पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मैं जानता हूँ, इस तरह से इट वाज केम इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइक इन 47 और सॉरी 50 इटसेल्फ, बट दैट वाज फॉर द लिमिटेड टाइम. एट दैट टाइम के ये जो अनटचेबिलिटी और जो लोग पिछड़े लोग थे उनको ऊपर लाने के लिए जो पहली बार आया, तो इट वॉज फॉर द लिमिटेड ईयर्स, के भाई पहले 5 साल या 10 साल इनको ये सपोर्ट करेंगे तो ये लोग एट पार सभी के सामने, सभी के साथ सोशली और इकोनॉमिकली एट पार, सभी के जितने भी है उनके एट पार हो सके, इसके लिए किया था. पहले 10 साल के लिए किया था, बट पीछे धीरे 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 वो एवरी 10 ईयर्स वो एक्सटेंड होता गया, और फिर उसमें पोलिटिकल, मतलब काफी पॉलिटिक्स भी आ गया, और उसी वजह से वो एक्सटेंड होता जा रहा है. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग. और अभी तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाउ इट इज अ एवरी स्टेट हैज इट्स ओन
एजेंडा टू विन द इलेक्शन, सो वो इलेक्शन से जुड़ गए तो निकालना बहुत मुश्किल है. तो मतलब आई थिंक ये जो जनरल पब्लिक है शायद उन्होंने इस बारे में आवाज उठाई, तो आई होप दैट विल जो समानता का हक है वो वापस सबके लिए आए, और मींस वी कैन जस्ट कीप होपिंग. यस वी कैन कीप होपिंग, बट सीम्स वेरी डिफिकल्ट लुकिंग टू करंट पॉलिटिकल सिचुएशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू वैशाली. थैंक यू नीरव भाई. नीरव भाई, मैं बोल रहा था कि आपने आपके प्रेजेंटेशन में ये जो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आपने कहा कि फ्रेंच आए, फिर उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, और वो आए किस लिए, तो स्पाइसेस के लिए, व्यापार करने के लिए आए. स्पाइसेस, उसमें जो स्पाइस स्पेलिंग है ना, तो वो पांचों अंग है हमारे व्यक्तित्व के. एस बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी, पी बेसिकली स्टैंड्स फॉर फिजिकल नेचर, आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव एंड ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस. भारत के पास सभी पांच ही अंगों में देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, योगा से लेकर अध्यात्म तक सभी चीजें भारत के पास है. और क्या हुआ, ये सारे लोगों ने लूट कर यहां से लेकर तो चले गए, पर शायद वो स्पाइसेस का एसेंस अभी 100-200 साल हो गए उससे चला गया. एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली इंडिया इज वंस अगेन राइजिंग, इज मार्चिंग अहेड, क्योंकि जिसके पास ओरिजिनल है, मूल तत्व जिसके पास है, उसके पास तो वो एसेंस रहेगा ही. आपने रामराज्य की भी बात कही, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था. मतलब गांधी जी ऐसा कहते थे कि राम राज्य ये देश में आए स्वतंत्रता के बाद, और कंदन रामायण में एक्चुअली इसका जिक्र आता है, जहां पे भरत राम को रिक्वेस्ट करने के लिए जब दोबारा जाते हैं और वो कहते हैं कि आप वापस और आप ही राज्य संभालो, तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो राज आपको दिया है, पर आप राज्य कैसे चलाओगे, उसके बारे में जो गाइडेंस आता है. तो मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वहां पे गांधी जी ने वहां से इंस्पिरेशन लिया कि वो राम राज्य उनको चाहिए. और आपने जो दिया डिफरेंस बताया ना, आज 26 जनवरी को जो फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं और 15 अगस्त को हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं. होस्टिंग में फ्लैग मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और 26 जनवरी को फ्लैग वही ऊपर एक्चुअली रखा ही होता है, पर जस्ट हम अनफर्ल करते हैं. तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने एक उत्तिष्ठ जागृत जो ये संवेदना दी थी, जो बेसिकली कठ उपनिषद में श्लोक है, जो स्वामी जी ने उसका उच्चारण 19th सेंचुरी में किया, और उत्तिष्ठ जागृत, लोगों को लगा कि दो बार ये क्यों बोल रहे, पर एक वो फिजिकल एक्टिविटी थी. सो गेटिंग अ फ्रीडम वॉज टू सर्टन एक्सटेंट लाइक अ फिजिकल एक्टिविटी, बट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग द फ्रेमवर्क इन विच वी कैन ऑपरेट इज डेफिनेटली समथिंग बियॉन्ड दैट फिजिकल एक्टिविटी, इज लाइक अ मेटाफिजिकल एक्टिविटी. तो ये जानकारी के लिए भी बहुत बहुत नीरव भाई आभार, धन्यवाद. और DSPPL ये सबको मायने में रखते हुए, ये आजादी का जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग शहरों में DSPPL 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड एज ग्रुप 9, 10 और 11 इसके लिए एक ऐसे कॉम्पिटिशन भी कर रहा है, इसी वीक में कर रहा है, चल रहा है अभी कॉम्पिटिशन बहुत सारे शहरों में. और चौथी के लिए हमने सब्जेक्ट दिया उनको इंडियन फ्लैग, राष्ट्र ध्वज. पांचवी के लिए, पांचवी कक्षा के लिए सब्जेक्ट है नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत. और छठी कक्षा के लिए है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी. तो ये सबके लिए भी, सब लोगों के लिए ये डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेज सेशन होगा. या नीरव भाई, यस ओवर टू यू, अगर आप कुछ कहना चाहते हो. नहीं, इट इज अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि मैं मेरे लिए भी क्या था कि आई वॉज नोइंग दिस टाइम लाइन but not very precisely, and while like preparing for this PPT, I have referred so many things, and that was very interesting for me also. ke bhai ye jahan se shuru hua tha, that was just a business. ke bhai ye East India Company form hui, वो जब 5 pounds बढ़ गए उसमें से वो पूरी ये आजादी का पूरा जो चक्कर है वो $5 में से शुरू हुआ था. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर मी आल्सो, व्हिच वाज इवन आई वाज नॉट नोइंग दिस. सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था यार. आशीष जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी. The best part about the Constitution of India, what I feel is that though it is a book, ek kitab hai, it is not static. It is a dynamic book. Matlab jo over the years, jo us kal mein bhi lagu padti thi, aaj bhi lagu pad rahi hai,
And even 100 years after, when we hope that India would have expanded, and tab bhi wo lagu rahegi. So really feel proud of having such a rich and dynamic book as our constitution for India. इसीलिए तो ये डायनेमिक है, इसीलिए वो मतलब इज अ वेरी लाइव डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज इट जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती है ऐसे ऐसे वो उसको बदलते जाते हैं. थैंक यू आशीष. या अमित, अमित जी, यस प्लीज गो अहेड. यस यस, जय गुरुदेव एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे. नीरव जी, बहुत ही अच्छा बढ़िया आपने आज हमें समझाया, इसके ऊपर हमको आपने एक इनपुट दिया अपने संविधान के बारे में, आज के गणतंत्र दिवस के बारे में भी. थोड़ा सा मैं इसमें मेरा एक नॉलेज शेयर करना चाहूँगा. एक आई थिंक लोकसभा एक चैनल है जिसपे भी हम बच्चे लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं डिटेल में. एक प्रोग्राम रन किया गया था लोकसभा चैनल पे जिसमें संविधान कैसा बना, संविधान ही नाम है उस चैनल का, उस टॉपिक का. तो वो भी हम सब लोग सुन सकते हैं उसको भी, थोड़ा सा और डिटेल लिया गया है उस चीज़ को. ट्रू. बस मेरे ख्याल से वो एक धारावाहिक भी उन्होंने की थी. It's a web series which is पूरे constitution के ऊपर. जी जी जी. और वो जब सुनते हैं तो इतना जागरूक करता है अपने आप को, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके डायलॉग्स दिए हैं, जो घटनाएं जो बताई गई उसमें अंदर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. मतलब हर कोई उसको सिविक को समझने के सबसे अच्छा वो सीरियल है. हाँ नहीं, मैं एक जस्ट हम बात कर रहे हैं तो एक बुक रिफर कर रहा हूँ, वेरी वेल नोन बुक, दैट फ्रीडम एट मिडनाइट, रिटन बाय कोलिंस. जो तो वो काफी इंटरेस्टिंग बुक है और वो पूरा एक ब्रिटिशर ने लिखा हुआ है और वो दैट वाज अ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1947 टू 1950, उसके पूरे बैकग्राउंड में लिखी गई बुक है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक. तो उसमें काफी ये डिटेल्स दी हुई. थैंक यू अमित जी, थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू वंस अगेन. आगे भी 7:15 को प्रोग्राम है तो इसलिए हमारा प्रोग्राम हमें खत्म करना पड़ेगा. तो अंत में हम सिर्फ जनगण मन बोलेंगे और आज का प्रोग्राम फिर हम खत्म करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड सो वी कैन हैव जनगण मन. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thank you, Nirav bhai. Once again, on behalf of DSP PL, thank you. और आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे हम खत्म करते हैं. Thank you to all for joining. जय गुरुदेव. Thank you. जय गुरुदेव.